आपका शरीर और आत्मा परमेश्वर के हैं। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर की महिमा करो। 1 कुरिन्थियों 6:20। इसका अर्थ है कि आपको अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा करना है। यदि शैतान आप पर बीमारी और रोग के साथ प्रभुता करता है और भौतिक रूप से आप पर प्रभुता करता है, तो क्या परमेश्वर को महिमा प्राप्त होगी? क्या परमेश्वर को ऐसे शरीर से महिमा प्राप्त होगी जो पवित्र आत्मा का मंदिर है और रोग या बीमारी के द्वारा शत्रु ने उसे पीड़ित और विकृत किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में इन बातों को स्पष्ट रूप से देखना है और तब हम उन बातों के विरोध में खड़े रहना सीखेंगे जो हमारे शरीरों पर आक्रमण करती है, उसी तरह जैसे हम शैतान के अन्य आक्रमणों के विरोध में खड़े रहते हैं। अब हम कुलुस्सियों 1:12 देखेंगे, जहां लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हूँ। परमेश्वर की संतान होने के नाते जब हम उसके प्रकाश में चलते हैं, तब चंगाई हमारी मीरास का एक भाग है। परमेश्वर के वचन में चंगाई हमारे लिए प्रकट की गई है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु के लहू के द्वारा हमें शैतान पर प्रभुता और अधिकार है, जिसमें बीमारी और रोग भी शामिल हैं। यूहन्ना 10:10, मत्ती 8:17, 1 पतरस 2:24। जैसे कि हमने वाक्य 12:11 में देखा गया है कि परमेश्वर के वचन में हम पर प्रकट किया गया है कि मेमने के लहू के द्वारा और हमारी गवाही के वचन से हम शैतान पर विजय पाते हैं। यदि हमने नया जन्म पाया है तो हम पहले से अंधकार के राज्य से छुड़ाए गए हैं और हमने परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किया है। कुलुस्सियों 1:13। इस पद में लिखा है, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। कुलुस्सियों 1:12। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं अभी इसी समय इस मीरास में सहभागी हो सकता हूँ। इस बात को भविष्य के लिए न छोड़े उस समय जब आप स्वर्ग जाएंगे। हमें अभी मीरास मिली है। हम अभी इसी समय अंधकार के अधिकार से छुड़ाए गए हैं। हम अभी समय परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में लाए गए हैं। हमें अभी इसी समय शैतान के हाथों से छुटकारा मिला है। हम अभी इसी समय मेमने के लहू से और हमारी गवाही के वचन से या अपने अंगीकार से शत्रु पर विजय पा सकते हैं। हम अभी इसी समय हमारे शरीरों में और हमारी आत्माओं में, जो अब परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। घुसपैठ नहीं शैतान, यह काम तेरा है। एक सेवावकाश प्राप्त मिशनरी ने जिस प्रकार लोगों के लिए प्रार्थना की, वह मुझे पसंद है। एक बार मैंने उनसे विनती की कि लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करने में वह मेरी सहायता करें। सबसे पहले उन्होंने एक स्त्री के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, पिता, यह स्त्री आपकी बेटी है, वह आपकी है। यह उचित नहीं कि शैतान बीमारी और रोग के द्वारा उस पर प्रभुता करे। इसलिए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने उसके छुटकारे के लिए प्रबंध किया है। आपने उसके रोग और बीमारी को यीशु पर रखा, क्योंकि लिखा है, उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारे रोगों को सह लिया, मत्ती 8:17। इसके बाद उस सेवावकाश मिशनरी ने शैतान से बातें की। वह शैतान से प्रार्थना नहीं कर रहा था, वह
उससे बातें कर रहा था। वह परमेश्वर के वचन पर आधार पर शैतान पर अपना अधिकार जता रहा था। उसने कहा, अब शैतान, तुझे इस स्त्री के शरीर पर से अपने हाथ को उठाना होगा, क्योंकि इस स्त्री का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यह परमेश्वर का है, और परमेश्वर की संपत्ति में घुसपैठ करने का तुझे कोई अधिकार नहीं। अब हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर की संपत्ति से खुद को हटा ले। उसके बाद उस सेवावकाश प्राप्त मिशनरी ने उस स्त्री से बातें की। उसने उस स्त्री से प्रार्थना नहीं की, परंतु बातें की। उसने कहा, अब बहन, शैतान ने आपके शरीर को रोग से पीड़ित किया है, परंतु परमेश्वर ने आपके छुटकारे का प्रबंध किया है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और आपको आज्ञा दी गई है कि आपके शरीर और आत्मा में आप परमेश्वर की महिमा करें। यदि शैतान उस पर प्रभुता करता है, तो क्या आपके शरीर में परमेश्वर को महिमा मिलेगी? नहीं, इसलिए मेरे साथ इस बीमारी के विरोध में खड़े रहें, और एक साथ मिलकर हम लोग यह दावा करेंगे कि शैतान परमेश्वर की संपत्ति पर घुसपैठ करना बंद कर दे। एक समय मैंने एक लोन पर एक चिन्ह देखा, जिस पर लिखा था, सभ्य लोग इस संपत्ति पर घुसपैठ नहीं करेंगे, दूसरों को नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं मेरे शरीर पर आत्मिक क्षेत्र में एक चिन्ह लगा देता हूँ। आप उसे देख नहीं सकते, क्योंकि वह आत्मा में लिखा है, परंतु शैतान उसे देख सकता है, और उसमें लिखा है घुसपैठ नहीं। इसका मतलब शैतान तो है। ऐसा मैंने विश्वास से किया। आप उस चिन्ह को नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने उसे आत्मा में किया। वर्षों से यह चिन्ह मैंने मेरे शरीर पर लगा रखा है, इसलिए शैतान मेरे शरीर पर, जो कि परमेश्वर की संपत्ति है, घुसपैठ नहीं कर सकता। आप अपने शरीर के रखवाले हैं। आपको अपने शरीर में और आत्मा में, जो कि परमेश्वर के हैं, परमेश्वर को महिमा देना है। तीसरा चरण, नई सृष्टि की वास्तविकता को जाने, सर्वोच्च प्रकार का विश्वास हासिल करने हेतु आवश्यक तीसरा चरण है, नई सृष्टि की वास्तविकता को जानना और छुटकारे के कानूनी पक्ष को पहचानना। आपको यह जानने की जरूरत है कि न्यायी परमेश्वर की बुद्धि में हम लोग मसीह में नई सृष्टि बनाए गए थे। आपको अपने खुद के लिए नए जन्म की सच्चाई को जानना है। आपको यह जानना और समझना है कि जिस क्षण आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उसे अपना प्रभु अंगीकार किया, उस समय आपने नया जन्म पाया। उसी समय छुटकारे की कानूनी कार्यवाही, जो यीशु की मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान में पूरी हुई, आपके अपने जीवन में वास्तविकता बन गई। नए जन्म में आपकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन और स्वभाव है। नया जन्म मात्र एक अनुभव नहीं है, यह धर्म नहीं है, यह कलीसिया के सदस्य होना नहीं है, यह वास्तव में हमारी आत्माओं का पुनः जन्म लेना है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वह हमारा अपना पिता है, हम उसकी संतान हैं। हम जानते हैं कि हमने शैतान के राज्य से, आत्मिक मृत्यु से निकलकर यीशु मसीह के द्वारा जीवन के राज्य में प्रवेश किया है। यीशु ने कहा, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यु की दशा में रहता है। 1 यूहन्ना 3:14। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार में हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमने इस परिवार में जन्म लिया। हम परिवार में शामिल नहीं हो सकते, आपको उसमें जन्म लेना होता है। इस नए जन्म और नई सृष्टि की वास्तविकता के इस ज्ञान का क्या प्रभाव होगा? नए जन्म में परमेश्वर आपका अपना पिता बन जाता है, और आप वास्तव में उसकी संतान बन जाते हैं।
आपको परमेश्वर पिता के साथ सहभागिता के लिए उतनी ही आजादी होती है जितनी यीशु के पास इस पृथ्वी पर रहते हुए थी, क्योंकि परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना उसने यीशु मसीह से किया। यूहन्ना 17:23 वर्टिकल बार। शायद कोई कहे, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि परमेश्वर मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना उसने यीशु मसीह से किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं विश्वास कर सकता हूँ। मैं वचन पर विश्वास करता हूँ और इस बात से मैं हर्षित हूँ। कुलुस्सियों 1:18-18 और वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हमने नया जन्म पाया और हम आत्मिक मृत्यु से छुड़ाए गए, परंतु यीशु मसीह मरे हुओं में जी उठने में पहिलौठा है। वाक्य 1:18। हम परमेश्वर से जन्मे हैं, परंतु परमेश्वर से जन्मे हुओं में यीशु मसीह का स्थान पहला है। इब्रानियों 1:6। वाक्य 1:5 वर्टिकल बार। पतरस ने कहा, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। 1 पतरस 1:23। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके राज्य के वारिस हैं, हम यीशु मसीह के संगी वारिस, उसके बराबरी के वारिस हैं। रोमियों 8:17। जब हम मसीह में हमारी मीरास के विषय में कहते हैं, तब हम खुद की प्रशंसा नहीं करते, हम परमेश्वर की और यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ उसने हमारे लिए किया उसकी बड़ाई करते हैं। हमने खुद को नई सृष्टि नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया और यीशु हमारे विश्वास का कर्ता और उसे पूरा करने वाला है। इब्रानियों 12:2। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम नई सृष्टि हैं जो यीशु मसीह में सृजी गई है। इफिसियों 2:10-10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर की सृष्टि पर दोष न लगाएं। हम जो हैं और जैसे हैं, हमने स्वयं को नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया है। और परमेश्वर की सृष्टि को दोष लगाने के विषय में आपको सावधान रहना चाहिए। लोगों ने सोचा कि मैं नालायक हूँ, यह कहकर वे अपनी नम्रता को दर्शा रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने अपनी नई सृष्टि को नालायक नहीं बनाया। यदि आप कहते हैं कि आप नालायक हैं, तो आप अपने जीवन की ओर परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं और मसीह की देह के सदस्य होने के नाते जो पत्रियां आपको लिखी गई, उसके अनुसार आप नहीं जी रहे हैं। कई लोग दूसरों की ओर भौतिक या स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखते हैं, परंतु मैं नालायक नहीं हूँ क्योंकि मैं मसीह में हूँ और आप भी नालायक नहीं हैं। लोगों ने सोचा कि मैं नालायक हूँ, यह कहकर वे अपनी नम्रता को दर्शा रहे हैं। वे नहीं जानते थे कि वे अज्ञानता का बर्ताव कर रहे हैं और शैतान को जगह दे रहे हैं कि वह उन पर प्रभुता करे। इफिसियों 2:10 में लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं, और जब आप अपने आप को तुच्छ जानते हैं, तब आप वास्तव में यह शिकायत कर रहे हैं कि परमेश्वर ने नए जन्म में आपके लिए क्या किया। आपके जीवन में उसके कार्य को आप तुच्छ समझ रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन के विरोध में बोल रहे हैं। हम परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह में सृजे गए हैं। हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। अपनी ओर स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखना बंद करें। खुद की ओर मसीह में देखें और आपा जीवनों की ओर देखना है, और वह हमें कैसे देखता है यह वह हमें बताता है। पश्चाताप विरुद्ध पछताना।
एक सेवक मुश्किल समय से गुजर रहा था। तब उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मैंने पहले जो जिंदगी बिताई उसी के परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। मैं बहुत बुरा था। परंतु मित्रों, जब आपका नया जन्म होता है तब आप पापों के दंड से छुटकारा पाते हैं। यदि आपको आपके बुरे कामों को भुगतना पड़ा तो फिर आप नर्क भी जा सकते हैं। परंतु यदि हम मसीह में हैं, तो हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। 2 कुरिन्थियों 5:17 वर्टिकल बार। छुटकारे के विषय में वचन क्या कहता है, इस पर ध्यान दें। क्योंकि कई लोग हारा हुआ जीवन बिता रहे हैं और इसका कारण यह है कि वे शैतान का सामना करने के लिए खड़े नहीं होते। दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी उनके विरोध में आता है उसका सामना करने के लिए वे खड़े नहीं होते, क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। वे उस परीक्षा जो उन पर आई है उसके लायक है। वे पश्चाताप और पछतावा, इनके बीच के फर्क को नहीं जानते। यदि आप उनके धार्मिक होने का और कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने का दोष लगाएंगे तो वे उसका इनकार करेंगे। वास्तव में वे अपने पिछले जीवन के लिए पछतावा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पश्चाताप कर लिया है, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, तो उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि आपने कभी कुछ गलत किया था। यशायाह 43:25-25 में वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त अपने नाम को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा। इसलिए परमेश्वर यदि आपके पापों को स्मरण नहीं करता तो आपको क्यों करना चाहिए? आपको नहीं करना चाहिए। उद्धार पाने के बाद यदि आपने जो कुछ बोया है उसकी फसल काटते रहेंगे तो आपको मरने के बाद नर्क में जाना होगा, क्योंकि दंड का भाग वह भी है। यदि आपको उस दंड के किसी भाग की फसल काटना है तो आपको पूरी फसल काटना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम न केवल पाप की सामर्थ से छुड़ाए गए हैं परंतु पाप के दंड से भी हमें छुटकारा मिला है। यीशु ने हमारी जगह ली और हमारे लिए दंड सहा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ, और वे छुटकारा और विजय से वंचित रह जाते हैं और वे सोचते हैं कि कई लोग अपने जीवन में परीक्षाओं की अनुमति देते हैं क्योंकि वे शैतान के विरोध में अपने अधिकार का स्थान ग्रहण नहीं करते, और वे छुटकारा और विजय से वंचित रह जाते हैं और वे सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। अर्थात जीवन में परीक्षाएं सबके पास आती है, परंतु दूसरी ओर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम शैतान को हम पर हावी होने की अनुमति न दें। और यदि हम मसीह में हैं, तो परमेश्वर ने हमें हर परिस्थिति में विजय की प्रतिज्ञा की है। 1 कुरिन्थियों 15:57 उन्होंने अपने पापों के परिणामों से या दंड से छुटकारा पाया है। इस तथ्य को ग्रहण करने के बजाय कुछ विश्वासी शैतान को खुद पर प्रभुता करने और उन्हें बीमार और पराजित रखने की अनुमति देते हैं। परमेश्वर से क्षमा मांगने के बाद परमेश्वर आपके पापों का हिसाब नहीं रखता। परमेश्वर क्षमा करता है, भूल जाता है और यीशु के लोहू के द्वारा हमें सब प्रकार के अधर्मों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:9 अब शैतान को आप पर प्रभुता करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे खुशी है कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम ज्योति के पवित्र जनों के मीरास का आनंद उठाएं। 2 पतरस 1:4, 1:12 उसने हमें हमारी मीरास के सहभागी होने के योग्य बनाया है। परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया है, अब हम अपना काम पूरा करें। हम अपनी मीरास के भागी हो और मसीह में जो कुछ उचित रीति से हमारा है उसका लाभ उठाएं।